हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर हीरो कॉप्स में। पोकेमोन की दुनिया आज एक दुनिया की सबसे पॉपुलर चीजों में से एक बन गया है और पोकेमोन की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं, जैसे कि ऐश का डैड कौन है और पोकेमोन के इतने सीजन के बाद भी ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ रही, या तो पोकेबॉल के अंदर क्या होता है। तो अगर आपको भी जानना है कि इन सारे सवालों के जवाब क्या हैं, तो हमने इन सभी टॉपिक्स पर अलग से वीडियोस बनाए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे वो वीडियोस चेकआउट करना ना भूलें। तो हमारा आज का ये वीडियो भी पोकेमोन के ऐसे ही एक सवाल पर होगा कि आखिरकार पोकेमोन कैसे बने, सारे पोकेमोन्स को किसने बनाया। और इस वीडियो में हम जो भी इन्फॉर्मेशन बताएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन बल्बापीडिया वेबसाइट की है, जो एक ऑफिशियल पोकेमोन वेबसाइट है। तो हमारी इस इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी आप जान ही गए होंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोकेमोन वर्ल्ड की हिस्ट्री क्या है। और आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पोकेमोन वर्ल्ड की हिस्ट्री की शुरुआत में कुछ नहीं था, पर अचानक से एक अंडे का जन्म होता है जिसमें से ऑर्शियस निकलता है। ऑर्शियस सबसे पहला और सबसे ताकतवर पोकेमोन था और ऑर्शियस तीन पोकेमोन्स को क्रिएट करता है, जिनके नाम है डायलगा, पालकिया और गिराटिना। वो इन तीनों को एक एक पावर देता है, यानी कि वो डायलगा को टाइम, पालकिया को स्पेस और गिराटिना को एंटी मैटर की पावर देता है। डायलगा और पालकिया अपनी पावर्स का यूज करके गैलेक्सी को क्रिएट करते हैं। जब ये दोनों पोकेमोन्स गैलेक्सी को क्रिएट कर रहे थे, तब गैलेक्सी में कॉस्मोग नाम के जीव बनते गए और ये जीव इवॉल्व होकर अपने नजदीकी प्लेनेट के सन और मून बन जाते हैं। अब पोकेमोन वर्ल्ड का क्रिएशन हो चुका है और गैलेक्सी को बनते समय डायलगा हुपा नाम के पोकेमोन को भी क्रिएट करता है। हुपा ऑर्शियस की नहीं बल्कि डायलगा की भी बनावट था, तो इसी वजह से वो परफेक्ट नहीं था। गिराटिना हुपा को अपने साथ शामिल कर लेता है और गिराटिना हुपा को एक नया और पावरफुल फॉर्म देता है, जिसका नाम था हुपा अनबॉन्ड। और वो दोनों मिलकर ऑर्शियस को बीट करके दुनिया पर राज करने वाले थे, पर ऑर्शियस को ये बात पता चल जाती है और वो गिराटिना को डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में कैद कर देता है और वो हुपा को एक बॉटल में बंद कर देता है। और अब यूनिवर्स पूरी तरह बन चुका था और डायलगा और पालकिया अपने अपने डायमेंशन में चले जाते हैं। और उनका पॉइंट ऑफ एक्सेस था स्पियर पिलर, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी को उन तक पहुँचाया जाए तो वो उसी जगह पर जाएंगे। उसके बाद ऑर्शियस यूक्सस, मैस्पिरिट और एजेल्फ को बनाता है और उन्हें नॉलेज, इमोशन और विल पावर जैसी पावर्स देता है। और उनका काम था अपनी पावर्स को दूसरे पोकेमोन्स में बांटना। ये तीनों पोकेमोन्स सिनो रीजन के तालाबों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लेक गार्डियंस कहा जाता है। इसी दौरान हमारे अर्थ पर गहरे समुद्र के प्रेशर की वजह से कायोग्रे का जन्म होता है और धरती की गहराइयों में जन्म होता है ग्राउडॉन का, और ऐसे ही आसमान में जन्म होता है रायकुजा का। रायकुजा ज्यादातर एटमोस्फेयर में ही रहता था, पर वो कभी कभी स्काई पिलर नाम की जगह पर भी आता था। और दूसरी तरफ कायोग्रे और ग्राउडॉन अपनी अपनी पावर्स बढ़ा रहे थे। अगर हम ग्राउडॉन की स्पेशलिटी की बात करें तो वो थी अर्थ, और दूसरी तरफ कायोग्रे की स्पेशलिटी थी पानी। और अगर देखने जाएं तो इन दोनों की स्पेशलिटी आपस में ऑपोजिट थी और इसी वजह से दोनों एक दूसरे के विरोधी थे और दोनों अपनी अपनी पावर्स बढ़ाते गए। जहां ग्राउडॉन जमीन की मात्रा बढ़ाता गया तो वहां कायोग्रे पानी की, और आखिरकार इन दोनों में एक भयानक लड़ाई होती है। ये लड़ाई पोकेमोन वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे खतरनाक लड़ाई थी, क्योंकि अगर ये दोनों पोकेमोन्स लड़ते रहे तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। पर इन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए रायकुजा बीच में आता है और ग्राउडॉन और कायोग्रे को पीछे हटाता है और वो दुनिया को बचा लेता है। और कायोग्रे और ग्राउडॉन अब कई सालों के लिए शांत हो जाते हैं और रायकुजा का ये काम देखकर ऑर्शियस उससे खुश हो जाता है और उसे एक नया फॉर्म देता है, जो है मेगा एवोल्यूशन। और इसी दौरान वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए ऑर्शियस ज़ेरनेस, वेलॉर्ड और ज़ाइगार्ड को बनाता है। और कई सालों बाद रेजिगिगस नाम का पोकेमोन ग्राउडॉन की बनाई हुई धरती को अलग अलग करता है और क्रिएट करता है अलग अलग रीजन्स, जिन्हें हम आज कैंटो और जोटो के नाम से जानते हैं। उसी दौरान वो क्ले से रेजिरॉक, आइस से रेजी आइस और मैग्मा से रेजिस्टील को बनाता है। और सभी रीजन्स अभी भी फॉर्म हो रहे थे और उस प्रोसेस में जन्म होता है हीटेन का, और धरती पर म्यू दिखने लगे थे और उसी के साथ साथ उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही थी और सारे पोकेमोन्स खुशी से रह रहे थे और तरह तरह के पोकेमोन्स जन्म ले रहे थे।
और हर जगह पर शांति थी, पर शांति ज्यादा देर तक कहाँ बनी रहती है। और अब पोकेमोन वर्ल्ड में और एक बड़ा इवेंट होने वाला था जो हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। पोकेमोन की हिस्ट्री में कई सारी मजेदार डिटेल्स हैं और हम ये नहीं चाहते कि आप उनमें से कोई भी मिस करें, इसलिए हम हमारी पोकेमोन हिस्ट्री के इस सीरीज को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्दी आएगा जिसमें हम पोकेमोन की और भी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आगे क्या हुआ और अगली लड़ाई कौन सी थी। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आप हमारे अगले आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख पाए, जो होगा पार्ट टू। और इसी तरह हमारे सुपर हीरो कंटेंट्स पोकेमोन कंटेंट एंजॉय करते रहें। और हाँ, अगर आप भी पोकेमोन के हार्डकोर फैन हैं तो हमारी पोकेमोन की बाकी थ्योरीज को देखना ना भूलें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।